हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मार कंपनी के बारे में। दोस्तों, अदानी विल्मार स्टॉक में अभी के टाइम हमें 10% तक का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अब देखिए, रिसेंटली हमें ये नज़र भी आया था कि स्टॉक में एक सेलिंग भी बनी थी एंड उसके बाद अगेन ये जो स्टॉक में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक में अभी के टाइम जो कंडीशन चल रही है वो बहुत ही बेटर कंडीशन है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये स्टॉक बेकार है, रुका हुआ है, पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा रुके हुए स्टॉक में ही बनता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, IRFC स्टॉक है। IRFC स्टॉक में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो स्टॉक्स थे वो एक टाइम के लिए रुके हुए थे। तो जिन लोगों ने रुके हुए स्टॉक में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया एंड वहाँ पे एक बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिले, ये पास्ट का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी के टाइम दोस्तों विल्मार की बात की जाए, 10% का अपर सर्किट यहाँ पे लग चुका है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था आज भी एंड आज से बहुत टाइम पहले भी। आज मॉर्निंग के टाइम भी मैंने अपडेट दिया था, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये आज मॉर्निंग का अपडेट है। उस टाइम स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 4% जंप में था, बट अभी उसके बाद ऑलमोस्ट 10% का अपर सर्किट देखने को मिल गया था। अब वहाँ पे मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि अदानी विल्मार इज लुकिंग ए गुड 6 मंथ व्यू। अभी सब लोग भागे हुए शेयर को हाई पर बाई करेंगे एंड वो फिर स्टॉक जो है वो गिर जाएंगे, बट जो स्टॉक रुका हुआ है, जो स्टॉक लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर से एक जगह पर रुका हुआ है और फंडामेंटल अच्छा है, वही स्टॉक आने वाले समय में बड़ा प्रॉफिट निकाल के देगा एंड वही स्टॉक हमें अदानी विल्मार देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसा ही कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा एंड उसी के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उसके बाद ओवरऑल स्टॉक ने यहाँ पर अपर सर्किट लगा दिया। तो सबसे पहले आज का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक में आगे के लिए क्या मेरा व्यू है। तो अभी के टाइम दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक आपका ओपन होता है 361 रुपये की प्राइस पे, 359 रुपये तक का लो लगाता है, वहाँ से एक अच्छी तेजी बनती है जिसमें स्टॉक अपर सर्किट लगा लेता है। वही अगर मैं टोटल वॉल्यूम्स की बात करूँ तो 1,32,00,000 के शेयर का वॉल्यूम होता है, जिसमें 500 करोड़ के वैल्यू के शेयर ट्रेड होते हैं। उसी के साथ साथ 38% क्वांटिटी, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए भी देखने को मिलती है। उससे भी अच्छी बात यह है कि जो इसका एमओ ऑर्डर है वो भी बेटर है, 3 लाख क्वांटिटी का एमओ ऑर्डर है एंड उसी के साथ साथ 393 रुपीज़ के लेवल्स पे 3 लाख क्वांटिटी, मतलब कल ऑलमोस्ट यहाँ पर 400 के लेवल को ये जो स्टॉक है वो ब्रेक कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अदानी विल्मार में आज तेजी तो बनी है, बट न्यूज़ क्या है? देखिए यहाँ पर अभी के टाइम, मतलब रिसेंटली 1 से 2 दिन या फिर 5 दिन में कोई भी बड़ी न्यूज़ निकल के नहीं आई है। ये स्टॉक अभी के टाइम अपने वैल्यू के हिसाब से जम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक ज़्यादा नहीं रुकता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ज़्यादा रुका हुआ है, तो वो हमारे लिए मौका है। अदानी विल्मार भी वही सेम स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जो स्टॉक में तेजी के पीछे न्यूज़ कोई आज नहीं आई है, बट कंपनी अपने फाइनेंशियल्स एंड जो रिसेंटली अदानी एंटरप्राइजेज वाली FMCG की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से स्टॉक हमें जंप करते हुए नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से इस स्टॉक का सबसे पहले मैं फाइनेंशियली आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, अभी तक ये कंपनी क्या थी कि सिर्फ एडिबल ऑयल के बिजनेस में थी। इस वजह से यहां पर कंपनी को प्रॉफिट का भी सामना करना पड़ा, बट उसके बाद लॉसेस का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि एडिबल ऑयल की प्राइस जो है वो गिर चुकी थी। एडिबल ऑयल के बिजनेस में अभी तक थी, बट अभी धीरे धीरे करके अपने FMCG बिजनेस को भी बढ़ा रही है। जब इन दोनों के बिजनेस इक्वल इक्वल हो जाएंगे ना, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली अचानक लॉस में नहीं जाएगा। रिसेंटली हमने क्या देखा कि अचानक लॉस में चला गया था। अभी मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है, जो कि अच्छी बात है। PE रेशियो है 74 का, जो कि एक समय के लिए आपका 300-350 तक पहुंच चुका था, बट रिजल्ट्स अच्छे आए एंड PE आपका ड्रॉप हो गया। वही अगर मैं बात करूं, लास्ट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन ये स्टॉक कर चुका है। बुक वैल्यू है कंपनी की 63 रुपीज़। ROE कंपनी की नॉर्मल ठीक है, 10% 3% थोड़ी कम है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अच्छी होगी। इंडस्ट्री का जो PE है वो 34 का हमें देखने को मिलता है। अपने सेगमेंट में जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मारिको, पतंजलि फूड्स एंड अदानी विल्मार, बट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में अदानी विल्मार एक नंबर पर जा सकती है। ये मेरा पर्सनली व्यू है। अब PE रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो पतंजलि एंड अदानी विल्मार का सेम PE है। पतंजलि का अगर आप यहाँ पे PE रेशियो देखेंगे तो 73 का है एंड अदानी विल्मार का यहाँ पे 74 का हमें नज़र आ रहा है। ओवरऑल दोनों का इक्वल PE रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो दोनों का यहाँ पर सेम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करूँ तो अदानी विल्मार में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो इससे भी, पतंजलि फूड से भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर मैं EBITDA की बात करूँ तो यहाँ पे सेम ऑलमोस्ट EBITDA दिख रहे हैं। पतंजलि फूड का ऑलमोस्ट 1500 करोड़ है एंड इसका 1400 करोड़, सिर्फ 100 करोड़ का हमें डिफरेंस जो है वो
देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमें बेटर देखने को मिल रही है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको नंबर्स दिखाऊँ कंपनी की सेल्स के, यहाँ पे अभी की जो सेल्स है वो एक अच्छे स्तर पे है, ईयर ऑन ईयर भी जंप किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी की सेल्स जंप की है। कंपनी में बीच में हुआ क्या था ना दोस्तों, AWL का प्राइस जो है वो अचानक डाउन हो गया, इस वजह से कंपनी जो प्रॉफिट में चल रही थी वो घाटे में आ गई, क्योंकि FMCG का बिजनेस इसका इतना बड़ा नहीं है अभी के टाइम। कंपनी धीरे धीरे करके FMCG के बिजनेस को बढ़ा रही है। ऐसे में यहाँ पर मान लो कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, जैसे 50% इसका AWL का एंड 50% FMCG का हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर AWL के प्राइस अप एंड डाउन भी होते हैं तो FMCG का बिजनेस जो है वो संभाल लेगा अदानी विलमार को, एंड FMCG का बिजनेस AWL से भी बड़ा हो जाता है तो AWL का प्राइस चाहे कितना भी डाउन हो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेगी, एंड AWL का प्राइस बढ़ता है तो कंपनी को डबल प्रॉफिट होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट मुझे ब्राइट लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास अभी के टाइम AWL का बिजनेस तो है एंड खुद का FMCG का बिजनेस भी है, बट अदानी एंटरप्राइजेस का FMCG का बिजनेस जब इसमें एंटर होगा तो कंपनी ओवरऑल इससे भी बेटर प्रॉफिट हमें करते हुए देखने को मिलेगी। अदानी विलमार ओवरऑल प्रॉफिट में जा चुका है, लास्ट 3 क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, अगले रिजल्ट में यहां पर हमें प्रॉफिट चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अगला रिजल्ट अच्छा प्रॉफिट करेगा। अगला रिजल्ट जैसे ही अच्छा प्रॉफिट किया तो ये माइनस के नंबर हट जाएंगे, माइनस का EPS हट जाएगा और ओवरऑल प्लस का EPS आएगा, तो ऐसे में कंपनी का जो PE रेशियो है वो डाउन हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का आपको अगले क्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि 74 का PE रेशियो 50 से नीचे आ जाएगा, और जब top 3 कंपनी में अदानी विलमार का PE 50 से नीचे होगा तो ऐसे में यहाँ पर मारिको एंड पतंजलि फूड को अवॉइड करके इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा अदानी विलमार की तरफ हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल अच्छी बैलेंस शीट है, रिजर्व बढ़ रहा है, डेब्ट भी इंक्रीज हुआ है, एसेट्स थोड़े से हमें डाउन होते हुए देखने को मिले, बट CWIP कंपनी का अच्छा है, कुछ बड़ा कंपनी यहाँ पे कर सकती है, नए आउटलेट्स यहाँ पे ओपन कर सकती है। इन्वेस्टर्स में FIN DIS वालों की होल्डिंग नॉर्मली ठीक है, होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ रही है बहुत सारे लोगों का ये कहना है, रीज़न दोस्तों सिंपल सी चीज़ें, FIN DIS वाले इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि कंपनी कभी भी OFS ला सकती है, OFS लाएगी तो अब इनको तो बाई करना ही होगा OFS की वजह से, तो उस वजह से यहाँ पर जो है डायरेक्टली OFS में इनकी होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए नजर आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, अदानी विलमार जैसे स्टॉक जो है ना वो काफ़ी टाइम से रुके हुए और फंडामेंटल अच्छे, तो मुझे ऐसे स्टॉक अच्छे लगते हैं जो काफ़ी टाइम से रुके हुए फंड। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो भाई अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का क्या, भाई ये भी रुका, भाई ये तो 1% गिर रहा है। देखिए ये गिरावट नहीं होती, किसी भी कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स में जब हम पैसा लगाते हैं ना तो वहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है बड़े ब्रेकआउट्स का, जब वो ब्रेकआउट देता है तो हमारा पैसा डबल करके छोड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अदानी विलमार की बात की जाए, टेक्निकली मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, अभी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, फंडामेंटल यहाँ पे कंपनी के वीक है नहीं, फंडामेंटल तो अच्छे हैं, और उसी के साथ साथ दोस्तों कोई छोटा ब्रांड नहीं है, फॉर्चून ऑयल बड़ा ब्रांड है। ऐसे सिचुएशन में अभी के टाइम हमें जो है एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इस ब्रेकआउट व्यू के हिसाब से मेरा ये मानना है यहाँ पे देखिए एक रीटेस्टमेंट चाहिए था, तो ये जो गिरावट थी एक रीटेस्टमेंट हुआ, एंड रीटेस्टमेंट के बाद यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है। मेरा पर्सनली जो व्यू निकल के आ रहा है वो यहाँ पर ये है कि 400 का लेवल ये कंपनी जैसे ही ब्रेक करती है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें 450 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। जैसे ही स्टॉक जो है 400 का लेवल ब्रेक करता है तो 450 रुपये, एंड धीरे धीरे करके जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ेगा, उसके लिए ऑल टाइम हाई के लिए तो टाइम है, बट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मतलब कि 5 से 6 महीने का जो अगर मैं व्यू लेके चलूं तो तकरीबन मुझे यहाँ पे अदानी विलमार में 500 रुपये तक के टारगेट्स जो है मुझे देखने को मिल रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से कंपनी जो है वो मुझे बेटर लग रही है, और ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक गिरा हुआ भी है, तो मैं इसको तो एक अपॉर्चुनिटी व्यू के हिसाब से ही लूँगा। बाकी दोस्तों कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बाय एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रुके हुए शेयर होते हैं ना वहाँ पे कैसे पैसा बनता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए IRFC स्टॉक है, ये तो अभी भागा, चलो ठीक है भागा है, बट जिसने यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे ना, यहाँ पे जब ये स्टॉक रुका हुआ था 20 रुपये के प्राइस पे, उसने वहाँ पे पैसा लगाया ना फंडामेंटल देख के, वो ये पूरा रिटर्न जो है वो लेके निकला है। वही अगर मैं बात करूँ दोस्तों जुपिटर वैगन जो है कि यहाँ पे अभी भागा है, बट जिसने यहाँ पे ये कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे ना ये वाले, वो यहाँ पे बड़ा पैसा बना के निकला है। अब लोगों ने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, तो आप लॉस में, अभी तो लॉस में हो, तो कुल मिला के जो स्टॉक अगर आपको 10 गुना 15 गुना रिटर्न वाली स्ट्रेटजी चाहिए तो उसमें क्या करना होता है, ये कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है, इसमें भी आपको फाइनेंशियल देखना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि जिस कंपनी के फंडामेंटल ग्रोथ में है, कंपनी काफ़ी टाइम से एक जगह पे रुकी हुई है, 1 साल 2 साल हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से रुकी हुई है, मतलब बहुत
जंप किया, उसके बाद गिरा एंड काफ़ी टाइम से एक जगह पे रुका हुआ है, फंडामेंटल अच्छे हैं बट जंप नहीं कर रहा है, तो वो आने वाले समय में पैसा बना के देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी अदानी विल्मार मुझे बेटर लगता है, पोटेंशियल मुझे इस स्टॉक में दिख रही है। थैंक यू।